બરાબર એમ ધ બેસ ઓફ ફાયર પુલ ધ સેફ્ટી પિન એમ ધ બેસ ઓફ ફાયર સ્ક્વીઝ ધ લીવર હા બસ 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 હા દૂસરા એક એક ઠીકાના દે પરત લાવા ધીરે ધીરે यहाँ पे आग लगी हम लोग क्या करेंगे थोड़ा यहाँ से ले अभी वहां से लीकेज हो रहा है जो लीकेज हो रहा है वहां पे हमको ध्यान में रखना है उस लीकेज का प्रॉब्लम सॉल्व करना है पानी मारो से बोलते दिखे हाँ मार उसका ऊपर क्या इसके अंदर से अदा तुम्ही इकड़ या अभी इनको क्या करना है इस तरह से लक्स को पकड़ना है क्या करना है तो पुर्दा आणि तुम्ही पुढे जाऊन परत मागे हां ठीक है आपको यहाँ पे अटैच करना है क्या करना है ये जो पाई ये है कैप है बराबर इसको कैप को कभी कभी कोई ऐसे घुमाता है तो आपको क्या करना है इसको इस तरह से पुश खींचना है और इसके अंदर डालना है डाल दो बराबर डाल पकड़ेंगे और ये देंगे ठीक है वॉल ओपन करो अभी आप पीछे से पकड़ो पाइप को भी पकड़ो पाइप को भी हाँ वर्थिंग मारा ना 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 प्रेशर पूरा दो उनको इस तरह से जय हिंद सर ये बोल के हमको क्या करना है उनका स्वागत करना है समझ गए सब लोग साधारण आग इसको बुझा सकते हैं क्या कर सकते हैं साधारण आग भी इससे बुझा सकते हैं तुम्हें है क्या लावली का आग इससे भी हम लोग पानी से भी आग बुझा सकते हैं हमको मालूम होना चाहिए कि इसका वॉल हमको ओपन करके हमको आग को बुझाना है अगर साधारण आग है तो हम लोग उससे बुझाए हाँ रखा का बुझा दो अभी सबके पास यूट्यूब है बराबर मेरा चैनल है जितेंद्र पाठारे करके वो आपको सब्सक्राइब करो उसमें से जो जो नॉलेज है वो आप ले सकते हो जब भी आपको वक्त मिलता है वो पढ़ो और देखो और इसमें जो आधा घंटा जल्दी आओगे तो आपको एक काम करना है बराबर यानी आप ट्रेन सिक्योरिटी गार्ड बनोगे प्रशिक्षण लिया हुआ सिक्योरिटी गार्ड बनोगे बराबर केमिकल फोम CO2 गैस बोलते हैं इसको ये गैस का फायर एक्सटिंग्विशर है इलेक्ट्रिसिटी की आग बुझाने के लिए हमारे पास ये इसमें से पाउडर निकलेगी थोड़ा नुकसान होगा हमारे पास कपड़े वगैरह है कॉटन के तो हम लोग CO2 गैस का इस्तेमाल करेंगे तो भी आग बुझ जाएगी ये ए क्लास ऑफ फायर के लिए और बी क्लास ऑफ फायर के लिए है यानी पेट्रोल डीजल केरोसिन के लिए साधारण आग के लिए भी हम लोग ये फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल कर सकते हैं तो क्या होगा इसमें से क्या निकलेगा CO2 गैस निकलेगा और आग बुझ जाएगी लेकिन उसके जो गैस निकलेगा उससे कोई नुकसान नहीं होगा तो हम लोग ये इस्तेमाल करके हम लोग आग को बुझा सकते हैं गुड आफ्टरनून एवरीवन मेरा नाम जितेंद्र पाठारे है मैं आपको यहाँ पे सिक्योरिटी रिलेटेड यहाँ पे जो इक्विपमेंट बिठा है फायर एंड सेफ्टी के अनुसार जो हमारे पास इक्विपमेंट है फायर एक्सटिंग्विशर है हमारे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है हमारे पास फायर हाइड्रेंट सिस्टम है हमारे पास स्प्रिंकलर भी है जो अंदर है कंपनी के अंदर है बराबर ये सारी चीज़ें जो बिठाए उसका उसके बारे में मैं बताऊंगा वो किस लिए बिठाए जाते हैं फायर एक्सटिंग्विशर का काम क्या है स्प्रिंकलर का काम क्या है हमारे यहाँ पे स्मोक डिटेक्टर है नहीं है ना स्मोक डिटेक्टर है और उसका कंट्रोलिंग सिस्टम इधर है यहीं पे है ना एड्रेसेबल पैनल यहाँ पे है ना यहाँ पे हीट ऑक्सीजन और फ्यूल ये ट्रायंगल ऑफ फायर है ये तीनों एक साथ आती है तभी आग लगती है अभी हीट
यानी कोई जल्दी हुई गाड़ी डाल दिया यहाँ पे, बराबर ऑक्सीजन तो वातावरण में है, तो आग कहाँ पे लगेगी? आग लगती है कहाँ पे? फ्यूल पे, बराबर। अगर हमें उसमें से एक को हटाना है तो क्या होगा? आग बुझ जाएगी। हीट को अगर हमको हटाना है, जैसे क्लासेस ऑफ फायर, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास, ई क्लास, ए क्लास ऑफ फायर में साधारण आग होती है, जैसे कपड़े को लगी हुई आग, बराबर, कपड़े को लगी हुई आग, फुट्टे को लगी हुई आग, लकड़े को लगी हुई आग, ये साधारण आग होगी, जनरल फायर बोलते, क्या बोलते उसको? जनरल फायर, बराबर। अगर जनरल फायर लगी है, सॉलिड फायर लगी है, तो हम क्या करेंगे? उसको कैसे बुझाएंगे? पानी से बुझाएंगे, बराबर। हमारे पास पानी का सिस्टम है, होज रील है, क्या बोलते उसको? ये होज रील है, आप देख सकते हो, ये होज रील है। हम लोग साधारण आग इससे भी बुझा सकते हैं, होज रील से। छोटी सी जब आग लगती है तब हम होज रील से बुझा सकते हैं, अगर बड़ी आग लगती है तब हम फायर हाइड्रेंट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, बराबर। ये साधारण आग लगी है तब हम लोग को ये पानी से बुझाना है, यानी हीट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कूलिंग करेंगे, पानी का इस्तेमाल करके आग को ठंडा करेंगे, बराबर। यानी हमें फायर एक्सटिंग्विशर का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हम लोग, ये पानी का इस्तेमाल करके, होज रील का इस्तेमाल करके आग बुझा सकते हैं, बराबर। उसमें ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है, एबीसी फायर एक्सटिंग्विशर है, यहाँ पे एबीसी, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी का इस्तेमाल करेंगे तो क्या नफा नुकसान हो सकता है, और फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेंगे तो पाउडर बाहर निकलेगी, और इसका इस्तेमाल करेंगे तो गैस बाहर निकलेगा। जो जैसे है, अगर कपड़े को बचाना है, पानी से भी अगर बुझा सकते हैं तो हम लोग बुझा सकते हैं, पाउडर से बुझाना अगर ख़राब चीज़ है, हम लोग पाउडर से बुझा सकते हैं, पाउडर से ख़राब हो जाएगा, केमिकल पाउडर होती है, बराबर। उसके बाद में ये साधारण आग बुझाने के लिए हम लोग हीट का, कूलिंग का इस्तेमाल करेंगे, यानी हीट को हटाएंगे, बराबर। सिर्फ साधारण आग बुझाने के लिए हम लोग पानी का इस्तेमाल करेंगे, बराबर। उसके बाद में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम लोग अभी ये ब्लैंकेटिंग करेंगे। अगर इसके आग के ऊपर इसको भी डाल दिया हमने, क्या होगा? एक ब्लैंकेट की तरह उसको हम लोग बुझा सकते हैं, ऑक्सीजन कट होगा। ऑक्सीजन कट करने के लिए हम लोग ये फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके वो पाउडर उसके ऊपर थम जाएगी, बराबर, कवर कर जाएगी, एक ब्लैंकेट की रूप में वो पाउडर तैयार होगी, हम लोग जब इस्तेमाल करेंगे तो आग बुझ जाएगी। तो ऑक्सीजन को कट करना यानी ब्लैंकेटिंग करना, हीट को कट करना यानी कूलिंग करना, बराबर। सब लोग समझ गए? हीट को हटाने के लिए हम लोग कूलिंग करेंगे, ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम लोग ब्लैंकेटिंग करेंगे, यानी ब्लैंकेट का इस्तेमाल करके या फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके उसके ऊपर चादर, पाउडर की चादर फैलाएंगे और आग बुझ जाएगी। समझ गए? ये जो आग लगती है, हमको कम से कम 30 सेकंड के अंदर इस आग को बुझाना है, यानी फर्स्ट एड की तरह शुरुआत में ही हमको आग बुझाना है। अगर हम लोग शुरुआत में ही आग के ऊपर कंट्रोल करते हैं तो हमको आगे चल के इस प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं होगा। अगर बड़ी आग लगती है तब हमारे पास सिस्टम है, मगर नुकसान बहुत होता है, तभी हमको सब सप्लाई बंद करके इस फायर हाइड्रेंट सिस्टम का इस्तेमाल करना होता है। हमारे पास स्प्रिंकलर भी है लगे हुए, मगर इस हाइट पे है, ऐसे हाइट पे है कि जब तक वो टेम्परेचर होता है, स्प्रिंकलर का टेम्परेचर होता है, जब तक वहाँ पर तक पहुँचती है तब तक सब जल जाएगा। हमारी हाइट ऊपर तक है, और स्प्रिंकलर की हाइट भी जो सीलिंग की हाइट है ना, एकदम ओवर की है ना दी, तो ऊपर तक है, वो अगर कम होती है तो स्प्रिंकलर एक्टिवेट हो सकता है जल्दी। अगर आग लगती है और उसका तापमान 68 डिग्री टेम्परेचर क्रॉस करता है तो ये स्प्रिंकलर फट जाता है। और जो ऑटो में होता है, ऑटो सिस्टम क्या है? स्मोक डिटेक्टर ऑटो सिस्टम है, और स्मोक डिटेक्टर ऑटो सिस्टम में स्प्रिंकलर हमारा ऑटो सिस्टम में, ये दो चीज़ें हमारी ऑटो सिस्टम में, हमारा बाकी हमारे जो फायर एक्सटिंग्विशर है, हमारे फायर हाइड्रेंट सिस्टम है, होज रील है, वो सब मैनुअली है, जो यानी हमको ऑपरेट करना होता है, ठीक है। ये एक क्लास ऑफ फायर में हम लोग ये
पानी का इस्तेमाल करके आग बुझाएंगे। फिर बाद में बी क्लास ऑफ फायर है। बराबर, हमारे पास केमिकल होता है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। ये केमिकल को अगर आग लगती है, केमिकल को आग पकड़ती है, तो हम लोग क्या करेंगे केमिकल को, तो ये हमारा फायर एक्सटिंग्विशर है। ए बी सी टाइप है, ए बी ए बी सी टाइप है, ये बी टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर का हम लोग क्या करेंगे इस्तेमाल करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करेंगे और आग बुझाएंगे। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन के को लगी हुई आग को हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके क्या करेंगे, आग को बुझाएंगे। ये बी क्लास ऑफ फायर है। बराबर, उसके बाद में सी क्लास ऑफ फायर यानी गैस फायर। गैस फायर की भी आग लगती है, तब हमको मेन करके क्या हमको करना है, पहले ये गैस की फायर है यानी मेन वॉल बंद करेंगे हम लोग। डी क्लास मेटल की आग, ई फॉर इलेक्ट्रिसिटी की आग। ये चीज़ें हैं जो हमें पहले हमको क्या करना होगा, फ्यूल को ख़त्म करना होगा। क्या करना होगा, फ्यूल को ख़त्म करना होगा यानी ऑक्सीजन गैस की अगर आग लगती है तो हम लोग क्या करेंगे, मेन वॉल सप्लाई बंद करेंगे। बराबर, हर जगह पे वॉल होता है, जो हम लोग उसका सप्लाई अगर रोकते हैं तब हमारे पास ये जो सिस्टम है 5 kg के फायर एक्सटिंग्विशर है, कम से कम आग बुझा सकते हैं। इसके लिए हमें मेन करके फ्यूल को क्या करना है, कट करना है। इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तब लोग, तब वही टाइम पे भी हमको क्या करना है, मेन सप्लाई बंद करना है। हमें हर एक बंदे को मालूमात होना चाहिए, अगर यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ, इस यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्ट सर्किट, ये जो वायर कहाँ पे गई है, तो हमें उसका मेन सप्लाई मालूम होना चाहिए। हर एक सिक्योरिटी को या अपने मेन स्टाफ को भी अगर ये काम करते हैं तो हर एक चीज़ को सप्लाई मालूम होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे हम लोग कितने भी फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेंगे आगे चल के उसको हम लोग आग को नहीं रोक सकते। मगर हमें मेन सप्लाई अगर हम लोग बंद करते हैं तो हम लोग आग को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं और बुझा सकते हैं। बराबर, अगर इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तो हम लोग मेन सप्लाई बंद करेंगे और फिर बाद में यानी फ्यूल को स्टॉप किया। गैस की आग लगती है, मेन वॉल्व बंद करेंगे हम लोग और फ्यूल को हमने क्या किया, स्टॉप कर दिया। फ्यूल को स्टॉप करने के बाद हम लोग आग को बुझा सकते हैं। अगर फ्यूल को स्टॉप नहीं किया तो क्या होगा, वहाँ पे सप्लाई चलते रहेगा और आग लगती रहेगी और हम लोग इससे बुझाएंगे तो भी ये हमारा फायर एक्सटिंग्विशर ख़त्म हो जाएगा, मगर सप्लाई चालू होने की वजह से उसको फ्यूल ज़्यादा मिलने की वजह से आग भड़कती रहेगी। समझ गए, तो इसके लिए हमें ये ध्यान में रखते हुए हमको क्या करना है, क्या करना है, हमको हमेशा ध्यान में रखना है फ्यूल को हमको बंद करना है, फ्यूल सप्लाई यानी फ्यूल के सप्लाई को हमको बंद करना है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि फायर एक्सटिंग्विशर कैसे इस्तेमाल करते हैं। अभी आपने देखा यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर, ये देखा हमारा, इसमें क्या है, हमेशा हर फायर एक्सटिंग्विशर में, अभी ये फायर एक्सटिंग्विशर भी है, इसके अंदर पाउडर है, बराबर है, मगर इसके अंदर क्या है, प्रेशर नहीं है। ये गेज दिखाई दे रहे हैं, इस पे हमको पता चलता है, ये ग्रीन पे होना चाहिए, रेड पे है, देख सकते हो ना आप लोग। कभी कभी क्या होता है, सील भी लगा होता है और ये पिन भी लगा होता है, मगर हमें पता नहीं चलता है कि इसके अंदर प्रेशर है कि नहीं। मगर प्रेशर कब पता चलता है, इसके अंदर ये जो गेज है, ये गेज अगर रेड पे है तो प्रेशर नहीं है, हम लोग कितना भी दबाएंगे तो इसमें से पाउडर नहीं निकलेंगे। सेम यहाँ पे जो फायर एक्सटिंग्विशर है आप देख सकते हो, यहाँ पे गेज है, देख रहे हो, वो कहाँ पे है, ये बराबर सही है ना, ये सही है, ये गेज ग्रीन पे है यानी इसके अंदर प्रेशर है, इसको सील लगा हुआ है और ये सेफ्टी पिन भी लगा हुआ है, यानी ये इस्तेमाल किया नहीं गया, ये इस्तेमाल किया गया है। बराबर, इसका सील टूटा नहीं है तो गारंटी नहीं दे सकते। हमारे पास दूसरा एक फायर एक्सटिंग्विशर है, मैकेनिकल फोम CO2 गैस बोलते हैं इसको, ये गैस का फायर एक्सटिंग्विशर है, इलेक्ट्रिसिटी की आग बुझाने के लिए हमारे पास ये, इसमें से पाउडर निकलेगी, थोड़ा नुकसान होगा, हमारे पास कपड़े वगैरह है कॉटन के, तो हम लोग CO2 गैस का इस्तेमाल करेंगे तो भी आग बुझ जाएगी। ये ए क्लास ऑफ फायर के लिए और बी क्लास ऑफ फायर के लिए है, यानी पेट्रोल, डीजल, केरोसिन के लिए, साधारण आग के लिए भी हम लोग
ये फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या होगा, इसमें से क्या निकलेगा, CO2 गैस निकलेगा और आग बुझ जाएगी, लेकिन उसके जो गैस निकलेगा उससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो हम लोग ये इस्तेमाल करके हम लोग आग को बुझा सकते हैं। अभी ये फायर एक्सटिंग्विशर कैसे इस्तेमाल करना है, फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास एक टेक्निक होना चाहिए, यानी एक मेथड है। जो मेथड है पास का मेथड है। कौन सा मेथड है, पास का मेथड है। अभी पास का मेथड है तो पहला अल्फाबेट आता है पी, पी फॉर, कौन बताएगा पी फॉर, पी फॉर पुल द सेफ्टी पिन। क्या करना है, इस सील को तोड़ के, बराबर इस सील को तोड़ना है हमको, बराबर है। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये पिन को निकालेंगे, देख सकते हो आप लोग, ये पिन को हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। और फिर बाद में पी फॉर पुल द सेफ्टी पिन, बराबर। उसके बाद में क्या करना है हमको, यहाँ पे आग लगी है उसके 5 से 6 फुट लंबा होके, यानी यहाँ पे आग लगी है, तब लोग हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह से पकड़ेंगे, होस पाइप को आगे की तरफ पकड़ेंगे, हमारा बायां पैर आगे रहेगा, दायां पैर पीछे रहेगा। और हम लोग जब तक हमारा एम नहीं पकड़ा है, अभी हमारा ये सिस्टम है और हम लोग दबाने को जाएंगे, हम लोग ऊपर से पकड़ेंगे तो क्या होगा, पहले से ही पाउडर निकलेगा और हमारे यहाँ पे आए निशाना लगेगा नहीं, निशाना चूकेगा। इसके लिए हमको पकड़ने के लिए कभी कभी क्या होता है, हम लोग डायरेक्ट दौड़ते हैं और पकड़ते हैं, पिन निकालते हैं, और पिन निकालने के बाद यहाँ से अगर प्रेशर पहले से ही देंगे तो क्या होगा, पाउडर पहले ही निकल जाएंगे। यहाँ पे हम लोग पहुँचते नहीं है, पहुँचने के बाद ये पोजिशन में हम लोग रहेंगे और हवा की दिशा भी देखेंगे। अगर बाहर लगी हुई आग तो हवा की दिशा ज़्यादा होती है, यानी वहाँ से हवा आती है, तब हवा को मैं मुझे क्या करना है, इस तरह से पीठ दिखाना है, बराबर इस तरह से पीठ दिखाना है। और जहाँ पे आग लगी है उसको हम क्या करेंगे, एम द बेस ऑफ फायर, समझ गए, एम द बेस ऑफ फायर मैं इस तरह से पकड़ूंगा। और फिर बाद में ये लीवर जो है, तीसरा अल्फाबेट क्या है पास में, PASS, एस फॉर स्क्विच द लीवर, क्या है ये लीवर को हम लोग क्या करेंगे, दबाएंगे, बराबर दबाएंगे। और स्वीप होस पाइप, यानी झाड़ू जैसे मारते हैं लेफ्ट राइट, स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड, जहाँ जहाँ पे आग लगी है, जब तक आग पूरी तरह बुझती नहीं है तब तक हमको क्या करना है, मारते रहना है और आग बुझाना है, बराबर। ये क्या होगा, ब्लैंकेटिंग कवर होगा, यानी पाउडर कवर होगा उसके ऊपर, समझ गए। अभी हम लोग, उसके बाद में हमारे पास क्या है, ये CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये इसका मेथड पास में नहीं है, बिफोर हम लोग पुल द सेफ्टी पिन, यहाँ पे ऐसा कोई पिन नहीं है, बराबर पिन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्या है, एम द बेस ऑफ फायर, क्या करेंगे हम लोग, एम द बेस ऑफ फायर, यानी मैंने यहाँ पे एम किया, जहाँ पे आग लगी है, इलेक्ट्रिसिटी की आग लगी है, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से हमको इस होस पाइप को पकड़ना है और एम करना है जहाँ पे आग लगी है, बराबर। और उसके बाद में ये पाइप इतना लंबा है कि हम लोग आगे तक भी जा सकते हैं, मगर इसको क्या करेंगे, ओपन करना होगा हमको, बराबर ओपन करना होगा। लेकिन ओपन कैसे करेंगे, एम द बेस ऑफ फायर हुआ, स्क्वीज द लीवर, जैसे लीवर नहीं हमको दबाना है, हमको ये जो वॉल है राउंड द क्लॉक घुमाना है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग वॉल जब ओपन करते हैं, जो वॉल होता है ओपन करते हैं, तो हम लोग को घड़ी के अनुसार, घड़ी कैसी घूमती है, ऐसे घूमती है, बराबर वैसे राउंड द क्लॉक हमको इस वॉल को घुमाना है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग पैनिक होते हैं तो क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, उसको दूसरी तरफ हम लोग घुमाते हैं और क्या होता है, और टाइट हो जाता है, जो पहले से टाइट है उसको और टाइट हम लोग कर देते हैं। तो इसके लिए हमेशा ध्यान में रखना है, ये वॉल को इस तरह से घुमाना है, बराबर। आप देख सकते हो मैंने वॉल को ओपन किया है, अभी हमें पता कभी चलेगा इसके अंदर गैस है कि नहीं, नहीं है, इसके अंदर गैस नहीं है, बराबर। हमें इसको रिफिल के लिए भेजना होगा, और जब तक हम लोग गारंटी कब देंगे, इसमें अगर गेज होता तो हमको पता चलता। अभी इसके अंदर क्या है, गेज है, दिखाई दे रहा है, ये जो फायर एक्सटिंग्विशर में दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर प्रेशर है और गैस है और हेवी है, हमको पता चल रहा है, बराबर। ये 5 kg का सिलेंडर है, उसके अंदर 5 kg का पाउडर रहेगा, और ये हम लोग
अगर मैं प्रेस करूंगा तो पाउडर निकलेगी। आग लगा दो यहाँ पे बराबर। यहाँ पे क्या है, हमें दिखाई दे रहा है ये गेज है, मगर ये गेज में प्रेशर नहीं है, पाउडर होने के बाद भी बाहर नहीं निकलेगी। तो ये सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें कपड़े को भी वैसे लग जाएगी। हाँ रख दो, हाँ लगा दो ना, आग लगा दो, गोनी लगा दो, गोनी में डाल दो, गोनी वाला टाका तो कपड़ा तो पेटे ला सर। समझ गए आप लोग? आप लोग को ध्यान में रखना है जो चीज़ें हमारा फायर एक्सटिंग्विशर है, हमारा फायर हाइड्रेंट सिस्टम है, वो हमेशा चेक करना चाहिए। हम लोग अगर चेक करेंगे तो आग बुझाने के लिए हमको कोई तकलीफ नहीं होगी। यहाँ पे जो फायर एक्सटिंग्विशर है इसमें भी हमको ध्यान रखना है। यस, इसका रिफिलिंग डेट है देखो 30 मार्च 2024 का, यानी हम लोग 30 मार्च तक, हाँ लगा दो ना, समझ गए, 30 मार्च का उसका रिफिलिंग डेट है। अगर रिफिलिंग डेट ख़त्म होती है तो वो एक हम लोग डेमो करके आग को बुझा सकते हैं। अभी आग देख रहे हो आप कहाँ पे लगी है और उसका हवा की दिशा कहाँ पे है, देख रहे हो आप। हमारे पास ये जो आग लगी है आप देख रहे हो, हमको इसको बुझाना है, मगर इसकी हवा की दिशा कहाँ पे जा रही है, यहाँ पे जा रही है बराबर। हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह से कम 5 फुट थोड़ा ये साइड में आ जाओ, ठीक है। इस तरह से मैं इस आग को बुझाऊंगा, हवा की दिशा वहाँ पे है बराबर। एम द बेस ऑफ फायर, पुल द सेफ्टी पिन, एम द बेस ऑफ फायर, स्क्वीज द लीवर। पेट्रोल जासे टाक लगा, हाँ जासे टाक लगा गैस। दूसरा क्या है अभी इसमें क्या देख रहे हो कि फ्यूल को हमने क्या किया, कट नहीं हुआ, यानी ज़्यादा से ज़्यादा उसमें थोड़ा लाम बना। हाँ बस बस बस, दूसरा एक एक ही करना दिया पर लावा। अभी आप देख सकते हो नज़दीक से हम लोग ने जो फायर एक्सटिंग्विशर मारा है उससे आग बुझ गई, मगर धुआं निकल रहा है। जब तक पूरी तरह आग नहीं बुझती है हमको क्या करना है, उसको मारते ही रहना है, यानी फायर एक्सटिंग्विशर को ख़त्म करना है पूरी तरह आग नहीं बुझती है तब तक। अभी एक एक करके सब लोग एक एक करके थोड़ा आग लगा दो और ये फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर लो। पर लावा तो पास तो थोड़ा टाका लगे, थोड़ा सा टाका दासर ना का टाको, ते दासर ये टाकला ना, डीजल दासर टाकला ना, रुको जरा लगने दो, आग तो लगने दो। आपले जे फायर एक्सटिंग्विशर है ते रिफिलिंग केले पाहिजे, त्याच्यावर लक्ष ठेवा। म्हणजे आता हा आपला एवढा मोठा आहे, आपण आपल्याला माहिती पण नाही पडला, कारण की ते आपल्याकडे सील लावलेला नाही आहे आणि कंपनीचा तो लेबल असतो त्याच्यामध्ये असतं त्याच्यावर, पण सील नसेल तर कधी ओपन झालं, डेट आहे पण ते कधी ओपन झालं आहे काय झालं ते कळत नाही, तोपर्यंत आपण स्वतः चेक करत नाही तोपर्यंत। आता ह्याच्यामध्ये किती, मला वाटतं किती केजीचं आहे, तर 50 केजीचं आहे। हां पण तो कसा आता हा वॉल, आता ह्या हा सील नव्हताच ऑलरेडी, म्हणजे कधी ओपन झाला कोणी सांगत नाही आणि आतमध्ये दिसणार नाही, कारण की ह्याच्यामध्ये बस 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 एक एक करके सब लोग एक एक आओ और कैसे इस्तेमाल करना है हमको पता चलना चाहिए। परत लाओ आग, लाओ परत, इसके बाद में हमारे पास एक होज रील है, होज रील। अभी आप देख सकते हो जो चीज़ें हम, आग लगा दो ना, आग लाओ।
आपल्याकडे हा होजरील आहे, आता ह्या होजरीलमधनं पण आपलं पाणी वेस्टेज जाते. बस बस बस, दुसरा या, सेकंड कोणी या, वापस लगा दो फटाफट. आता आपण इकडे बघू शकता हे होजरील आहे, हा होजरील पण ह्याच्यामधनं पण थोडी पाणी आलं नाही पाहिजे. ये पाणी बाहर से नहीं आना, जब तक हम लोग वॉल ओपन नहीं करते नहीं तो ये पाणी का वेस्टेज जाता है. कभी कभी ज़्यादा हम लोग ओपन करेंगे थोडा जितना उतना पाणी निकलेगा बाहर. तो ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो मेंटेनेंस हमको करना होता है वो करना ही है. अगर बाई चांस अगर ये अगर ज़्यादा हो गया तो हम लोग जब भी इस्तेमाल करने को जाएंगे तब इसका मेन जो वॉल है वो ओपन करने के बाद पानी आता है कि नहीं वो भी देखना है. हमारे पास पानी तो आ रहा है, बरफ थोड़ा बहुत लीकेज जो होता है उसको हमको हमेशा रिपेयर करना है. अभी जो फायर एक्सटिंग्विशर हमने देखा उसको हमेशा सिक्योरिटी ध्यान में रखते हुए हमको देखना है कि जो फायर एक्सटिंग्विशर को सील लगा हुआ है वही हम लोग गारंटी दे सकते हैं. एक एक यार करके ले लो, आग लावा आणि हे करा परत विधवा, समझ ला. ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है और ये होजरील है, बराबर. अभी आप देख सकते हो इसमें से देखो है ह्याच्या मधनं बघा, आता रेडवर गेलाय बरोबर. म्हणजे ये ज्यादा देर रहता नहीं है, याने उसमें से क्या निकलता है कर दो, थोड़ा सा बहुत सा बचा रहेगा, मार दो मार दो. हाँ गया, खत्म हो गया. कौन सा उठाया, पूरा ही खत्म हुआ ना, दूसरा कोटला है दो. हाँ दो फोड़ा. अभी हवा की दिशा कहाँ पे है, यहाँ पे आपको यहाँ पे इससे मारना है. ले लो हाथ में, सिल तोड़ा है. हाँ एम द बेस ऑफ फायर, स्क्वीज द लीवर, लीवर को दबाना है. हाँ बस बस आराम से थोड़ा थोड़ा मार, बस 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 बस. दूसरा कोई और एक आ जाओ, तुम्हें बने सिक्योरिटी आ जाओ. थोड़ा लाम गया, बस 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 ठीक है. दूसरा कोणी या, बस 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 बस. आता लावा एक, लावून टाका परत. अभी आप देख सकते हो कि ये हमारे पास जो ये है ये क्या है, होजरील है. क्या है, होजरील है बराबर. जो ड्रम में से कितना फुट लंबा है वो, 30 फीट है, 25-30 फुट है हमारा लंबा है. यहाँ पे हम लोग साधारण आग इसको बुझा सकते हैं. क्या कर सकते हैं, साधारण आग भी इससे बुझा सकते हैं. तुम्हें है क्या लावली का आग, इससे भी हम लोग पानी से भी आग बुझा सकते हैं. हमको मालूम होना चाहिए कि इसका वॉल हमको ओपन करके हमको आग को बुझाना है. अगर साधारण आग है तो हम लोग उससे बुझाएं. हाँ रखा का बुझा दो, अभी थोड़ा वर्दी का. हाँ अभी पानी से आग पूरा ये करा ना टाका. पानी से आग कैसे ठंडे होती है, कूलिंग होता है बराबर. ये कूलिंग होने के बाद वापस आग नहीं लगेगी हमको. पानी थोड़ा मारा जो दादे, ये होजरील है बराबर. हमारे पास जो अगर फायर एक्सटिंग्विशर खत्म होता है तब हम लोग पानी का भी इस्तेमाल करके साधारण आग को हम लोग बुझा देंगे बराबर. इसके बाद हमारे पास दूसरा फायर हाइड्रेंट सिस्टम है, कैनवास होस पाइप. तो क्या है कैनवास होस पाइप, असा खांद्यावर घ्या, याच्यावर याच्यावर घ्या, तसा ना उलटा ना असा असा
मैनेजर क्या? जब भी हम लोग कैनवास पाइप लेके आएंगे तो इस तरह से हम लोग पकड़ेंगे बराबर इसके ऊपर है चर पाइपर जैसा वहाँ। अभी आप देख सकते हो इकड़े ऊपर। हाँ अभी आप देख सकते हो हमारे पास होज रील हमने यूज़ किया। अभी हम लोग फायर हाइड्रेंट सिस्टम यूज़ करेंगे। अभी उसके पहले हम लोग जानेंगे इसको क्या बोलते हैं बराबर ये सामने वाले आगे वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, किसी को पता है? हाँ नोजल। नहीं नोजल तो किधर गया? वो नोजल नोजल घेतला कि ना तो तिकड़ता नोजल घेतला है? नोजल नहीं है, है। नोजल ये हुआ आप लोग देख सकते हो इसको नोजल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोजल यानी ब्रांच पाइप। ये ब्रांच पाइप है नोजल नहीं है बराबर। ये कहाँ पे लगेगा? कहाँ पे लगेगा? जहाँ पे फीमेल कपलिंग वहाँ पे भी लग सकता है, वो तो डायरेक्ट वहाँ नीचे निशाना आ जाएगा बराबर। और उसके लिए ये मेल कपलिंग है। क्या है? मेल कपलिंग। क्या बोलेंगे? मेल कपलिंग। मेल कपलिंग कहाँ पे अटैच होगा? फीमेल कपलिंग में अटैच होगा। कहाँ पे होगा? अभी ये फीमेल कपलिंग नहीं है, ये जाएगा इसके अंदर नहीं। ये भी मेल कपलिंग है और ये भी मेल कपलिंग है, यानी मेल कपलिंग की तरह है बराबर। ये सिर्फ फीमेल कपलिंग में अटैच होगा और ये मेल कपलिंग फीमेल कपलिंग में अटैच होगा। फीमेल कपलिंग हमारा यहाँ पे भी है, आप देख सकते हो ये फीमेल कपलिंग है जिसको लक्स लगा हुआ है। फीमेल कपलिंग कौन सा होता है? जिसको लक्स लगा हुआ रहता है जो लॉक की तरह काम करता है बराबर। आप देख सकते हो ये फीमेल कपलिंग है और ये मेल कपलिंग है बराबर। ये फीमेल कपलिंग और वो स्टैंड बाय फायर हाइड्रेंट राइजर यानी एक जगह पे लगा हुआ है, देख सकते हो ना, एक जगह पे लगा हुआ जो फायर हाइड्रेंट सिस्टम है वो उसको हमको क्या करना है? अटैच करना है। क्या करना है? अटैच करना है, यानी मेल कपलिंग को हम लोग क्या करेंगे? अटैच करेंगे। अभी आप क्या करोगे? मेल कपलिंग को ये अटैच करोगे। आता तुम्हें क्या करू सकता? सब लोग यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हम लोग ने ये फायर होज रील यूज़ करके देखा बराबर। अभी हम लोग फायर हाइड्रेंट सिस्टम जब बड़ी आग लगती है तब हमको इसका इस्तेमाल करना है। क्या है? ये कैनवास होज पाइप और ये मेल कपलिंग है। आप आ जाओ पीछे, राइट हैंड साइड लगे, राइट साइड लग पकड़ दे। हमको हमेशा इस तरह से पकड़ना है बराबर। इकड़ पकड़ा आणि ह्या थोडं ढील द्या, इकडे इकडे पुढे ढील द्या। हा खालपर्यंत आणा, इथपर्यंत त्याला खालच्या पकडता येईल। इकडे पकडा लक्ष, और इधर से तू आप पीछे ही जाओ, आप पीछे जाओ, पीछे से ले लो। हाँ बराबर लो इसके अंदर से। आता तुम्ही इकडे या। अभी इनको क्या करना है? इस तरह से लक्ष को पकड़ना है। क्या करना है? थोड़ा पुढे जाओ आणि तुम्ही पुढे जाऊन परत मागे या। ठीक है, आपको यहाँ पे अटैच करना है। क्या करना है? ये जो पाई ये है कैप है बराबर। इसको कैप को कभी कभी कोई ऐसे घुमाता है तो हमको क्या करना है? इसको इस तरह से पुश खींचना है और इसके अंदर डालना है। डाल दो बराबर, डाल दिया उसको। उनको पाइए दो ना, ब्रांच पाइप दे दीजिए दो। हाँ तो यहाँ इकड़े यहाँ इकड़े यहाँ इकड़े यहाँ रुको निकालो ये पकड़ लो। अभी इसको ये ब्रांच पाइप और ये फीमेल कपलिंग बराबर, इसको हम लोग कैसे अटैच करेंगे? यहाँ पे देखो यहाँ ये फीमेल कपलिंग है और ये मेल कपलिंग यानी नो ब्रांच पाइप है बराबर। इसको हम लोग हमेशा लेफ्ट हैंड में पकड़ेंगे और इसको राइट हैंड में पकड़ेंगे ताकि आपको ग्रिप आ जाए बराबर। इस तरह से हमको उसको अटैच करना है बराबर। इस तरह से अटैच करके इस तरह से ही हमको पकड़ना है। क्या करना है? इस तरह से हमको पकड़ना है और ये राइट हैंड हमारा यहाँ से निकलेगा और ये इस मनगढ़ पे इस तरह से हमारा हम लोग खड़े रहेंगे और जहाँ पे आग लगी है उसको निशाना लगाएंगे और सामने वाले को कमांड देंगे। क्या करेंगे? कमांड देंगे, वॉल ओपन करो, वॉल ओपन करो, वॉल ओपन करो। आराम से धीरे धीरे आप देख सकते हो। धीरे धीरे
जहाँ पे आग लगी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा यहाँ से अभी वहाँ से लीकेज हो रहा है, जो लीकेज हो रहा है वहाँ पे हमको ध्यान में रखना है, उस लीकेज का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। पानी मारो के पूरा दिखे, हाँ मारो ऊपर का तो बंद करो, वॉल बंद करो, अभी आप वॉल बंद किया पूरा, हाँ अभी आप लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग को क्या करना है, वापस बंद करना है, ये ब्रांच पाइप को निकालना है। हम लोग कैसे निकालेंगे, दोनों पैरों के बीच में इसको रखेंगे और इस तरह से हम लोग फीमेल कपलिंग को निकालेंगे और यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। अभी सब लोग एक एक करके ट्राई कर लो, ठीक है, तुम क्या करा, सब लोग बताओ इसको क्या बोलते हैं, फीमेल कपलिंग और एक ब्रांच पाइप पकड़ना कैसे है ऊपर से, वहाँ और इस तरह से पकड़ना, आप कमांड दो उनको, जब तक आप पूरी तरह रेडी नहीं होते आपको सेकंड पर्सन यहाँ पे इसको पीछे करो, हमेशा देखना है कैनवास और होज पाइप को, जब भी हम लोग रखेंगे वो फोल्ड नहीं होना चाहिए, फोल्ड होने की वजह से क्या होगा, अटक जाएगा, बराबर पीछे ले लो। और अभी सेकंड टाइम अगर प्रेशर ज़्यादा है तो हम लोग इस तरह से पकड़ेंगे, क्या करेंगे, इस तरह से उसको पकड़ेंगे और ये देंगे, ठीक है, वॉल ओपन करो, अभी आप पीछे से पकड़ो, पाइप को भी पकड़ो, पाइप को भी, हाँ वर्थिंग मारा ना, प्रेशर पूरा दो, यहाँ पे आके आप लोग ये पाइप को भी उठा सकते हो, ये पाइप को उठा लो, उधर चेहरा है क्या, देखो चेक करो, कम करो, ये आपको कमांड देना है, थोड़ा हाँ पाए पूरे डर, कम करो, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जो, हाँ ओपन करो, अभी आप देख सकते हो यहाँ से भी पानी कभी कभी निकलता है, तो ये वॉइस है क्या, नहीं निकलता, इसमें से कभी कभी लीकेज होता है तो इसका वॉइसर आपको बदलना पड़ेगा, बराबर इसमें से अगर लीकेज है तो, अभी ये प्रेशर 5 kg का ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा, उससे ज़्यादा भी होता है अगर बड़ी आग लगती है, अगर लंबे जगह पे अपने को मारना है, हाइट पे मारना है, तब आप लोग प्रेशर बढ़ा भी सकते हो, 5 kg to 7 kg 10 kg, बंद कर दो, नेक्स्ट आ जाओ, एक एक करके आके देख लो, सबको ये चीज़ें मालूम होना चाहिए कैसे ऑपरेट करते हैं और कैसे वापस उसको निकालना, कैसे निकालो ना, आप निकाल के दिखाओ, दोनों पैरों के अंदर डालना है और लक्स को खींचना है ऑपोजिट साइड में, ये साइड में और वो साइड में खींचो, हाँ बराबर, और उसको बाद में ऐसे करो ताकि पानी उधर गिरे, अपने पैरों के ऊपर ना गिरे, अभी आप करके, थोड़ा जगह दो ना, थोड़ा दो, हाँ इकड़े इकड़े बड़ा, सावधान पोजिशन कैसे होता है, एड़ी से एड़ी मिली हुई और पंजे में 6 inch का फासला रहेगा, क्या रहेगा, 6 inch का फासला रहेगा, देखो इस तरह से हमारा सावधान पोजिशन में एड़ी से एड़ी मिलनी चाहिए और पंजे में 6 inch का फासला, और ये हाथ की मूठ बंद होके हमको इस तरह से मूठ को नीचे की तरफ रखना है और पैंट की सिलाई के पीछे सावधान पोजीशन में पैंट की सिलाई, ये मूठ इस तरह से बंद रहेगी और कलाई को मोड़ना है और इस तरह से रखना है,
ये हमारा सावधान पोजीशन हुआ। क्या हुआ? और सामने देख रहे हैं, सिलाई के पीछे, पैंट की सिलाई के पीछे अंगूठे को मोड़ के इस तरह से इसको मेड़ा बराबर। इस तरह से आप लोग सावधान में रहोगे, सावधान पोजीशन, एडी से एडी मिलना चाहिए और एडी से एडी और पंजे में, दोनों पंजे के बीच में हमको 6 इंच का फासला रखना है। क्या करना है? 6 इंच का फासला, ठीक है। अभी अपने को विश्राम में जाना है। कैसे जाएंगे हम लोग? हमारा कौन सा पैर? लेफ्ट पैर, यानी बाया पैर हमारा कहाँ पे आएगा? यहाँ तक आएगा। और एड़ी में 12 इंच और पंजे में 16 इंच का फासला रहेगा। और हाथ हमारा जिस तरह से, ये सावधान है, हमको हाथ इस तरह से पीछे रहेगा, और ऐसे सावधान में और ऐसे ही विश्राम में, बराबर। समझ गए? ये हमारा विश्राम है, बराबर। हम लोग सावधान, अभी हम लोग सावधान में हैं। हम लोग विश्राम में आने के लिए हमारा पैर इस तरह से ऊपर तक आएगा और ये पीछे की तरफ हमारा हाथों आ जाएगा और पटकना पैर को, बराबर। हमारा दोनों पैरों के बीच में एड़ी में 12 इंच का फासला और पंजे में 16 इंच का फासला रहेगा, बराबर। इस तरह हम सावधान की पोजीशन में आने के लिए हम लोग वापस वही पैर, बाया पैर हम लोग उठाएंगे, बराबर। और ये दोनों हाथ हमारे इसी तरह पैंट के सिलाई के पीछे आएंगे और एड़ी से एड़ी मिली हुई और पंजे में 6 इंच का फासला रहेगा। ये हमारा सावधान पोजीशन। कोई भी सामने हमारे आता है, हमें उनको इस तरह से जय हिंद सर ये बोल के हमको क्या करना है? उनका स्वागत करना है। समझ गए सब लोग? ठीक है, प्रेड एक सौ सलूट 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 इस तरह से करना है हमारे। सलूट करो इस तरह, हाँ थोड़ा गैप रखो, थोड़ा लंबा रहो। हम लोग जब सलूट करेंगे सावधान पोजीशन में रहेगा, हाथ हमारा, हाथ की मूठ बंद रहेगी, इस तरह से सलूट करेंगे। हाँ इस तरह से हमको सलूट करना है, अंगूठा टेढ़ा नहीं करना है, ऊपर करो, हाँ ऐसे ही रखो। पांचों के पांचों उंगलियां हमारे चिपकी रहेंगी यहाँ पे, इस तरह से यहाँ पे अंगूठा, चारों के चारों उंगलियां हमको टेढ़ी नहीं रखनी है, बराबर। यहाँ पे आने के बाद ये जो हाथ है हमारा लेफ्ट हैंड, आप देख सकते हो हमारा हाथ चिपका रहेगा बदन को, पूरी तरह चिपका रहेगा पूरी तरह बदन को, और एडी से अपना हमारा जो हाथ है वो सिलाई के पीछे रहेगा, बराबर सबका है। और ये चिपका रहेगा पूरे बदन को, पूरी तरह बदन को चिपका रहेगा। मोड़ बंद करना है और कलाई को मोड़ना है, रेडी। एडी से एडी मिली है, सब लोग चेक करो, एडी से एडी मिली हुई है और ब्रेक एक्सेल हो नीचे। अभी आपको विश्राम में जाना है, सावधान में हो आप, सिलाई के पीछे हाथ रखना है, बराबर, ठीक है। अभी आपको विश्राम में जाना है, ब्रेक एक्सेल विश्राम, हाथ पीछे, विश्राम में हाथ पीछे रहेगा हमारा, विश्राम में हमारा हाथ पीछे रहेगा, जैसे यहाँ पे सावधान में है इसी तरह आपको यहाँ पे लाना है, बराबर, ठीक है। सावधान सावधान सावधान, सलूट नहीं बोला, कमांड की तरफ ध्यान देना है, ठीक है। अभी मैं सलूट बोलूंगा तो आप लोग रेडी रहो, सावधान पोजीशन, सलूट, पैर को हटाना नहीं है, पैर को हिलाना नहीं है, ठीक है। एडी से एडी मिली हुई, और यहाँ पे आने के बाद जय हिंद बोलना आपको, ठीक है। एक साथ हाथ नीचे, ब्रेड एक साथ सलूट, जय हिंद, पैर को हिलाना नहीं है, ऊपर आने के बाद जय हिंद, और एक साथ हाथ नीचे, ब्रेड एक साथ विश्राम विश्राम विश्राम, दोनों हाथ पीछे, दोनों हाथ पीछे, पैरों में 12 और 16 इंच का फासला रहेगा, 12 एडी में और 16 पंजे में, ठीक है। सुरक्षा रक्षक यानी सिक्योरिटी, क्या है हम लोग किस में है? सिक्योरिटी में, बराबर। सिक्योरिटी का स्पेलिंग मालूम है आपको? एस एस से शुरुआत होती है,
एस के बाद ई सी यू आर आई टी वाई, सिक्योरिटी यानी सुरक्षा रक्षक, जान की रक्षा करने वाला, इस परिसर की रक्षा करने वाला और सबका बराबर सम्मान करने वाला एक सुरक्षा रक्षक, एस फॉर सुरक्षा रक्षक। और उसके बाद में दूसरा अल्फाबेट क्या है हमारा, ई फॉर ईगल आई, तीक्ष्ण नज़र से दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देख के इस परिसर की हमको क्या करना है, सुरक्षा करना है। समझ गए, इस परिसर की सुरक्षा कैसे करेंगे हम लोग, एक जगह पे बैठ के नहीं, क्या करेंगे हम लोग, दाएं देखेंगे बाएं देखेंगे आगे देखेंगे और पीछे की तरफ भी देखेंगे और इस तरह से पहरेदारी की तरह आगे पीछे दाएं बाएं ये तरह से। अभी जैसे हमने हमको दाया जाना है, मैं एडी से यहाँ पे करूँगा, यहाँ पे आ गया बराबर। अभी बाया जाना है मुझे तो मैं जैसे आऊँगा और ये बाया आ गया बराबर। अभी मुझे पीछे देखना है तो मैं ऐसे आऊँगा बराबर, पीछे देखूँगा, ये चारों तरफ मुझे घूम के ड्यूटी करना है, जिस जहाँ पे पोस्ट है वैसे चारों तरफ, वहाँ पे कौन क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, वहाँ पे क्या कर रहा है, ये चारों तरफ मुझे देख के इस परिसर की क्या करना है, सुरक्षा करना है बराबर। ई फॉर ईगल आई, जैसे चील अपने भक्ष्य के ऊपर से देखती है और अटैक करती है, उसी तरह हमें ईगल आई की तरह देखना है। सी फॉर करेजियस, क्या है तीसरा अल्फाबेट, सी है करेजियस यानी धाड़स करना, जैसे अपने को पता चल गया कि कहीं पे कुछ हो रहा है तो हमको हर जगह पे क्या करना है, धाड़स करना है, करेजियस, अपने को दिखाई दिया उसके बाद में हम लोग कुछ करते नहीं है तो कुछ करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, धाड़स यानी करेजियस, करेजियस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, करेजियस, उसके लिए हम लोग सवाल जवाब करना होता है। समझ गए, उसके बाद सी के बाद यू फॉर यूनिफॉर्म, हमेशा सुरक्षा रक्षक यूनिफॉर्म में रहेगा, ऊपर से लेके कैप से लेके जूते तक, कम से कम बाल शेविंग क्लियर, जूते पॉलिश, सेफ्टी शूज पहन के हमको, साफ सुथरे कपड़े पहन के हमको खड़े रहना है, क्या करना है, साफ सुथरे कपड़े पहन के खड़े रहना है बराबर पोस्ट पे। उसके बाद गाड़ी को जाने के लिए रास्ता दो, तो हम लोग कहाँ पे थे, यू फॉर यूनिफॉर्म में, हमेशा ध्यान में रहे यूनिफॉर्म में हमें ड्यूटी करना है, साफ सुथरा यूनिफॉर्म पहन के हर वक्त शेविंग करके हमें ड्यूटी करना है। उसके बाद में यू के बाद आर फॉर रोबस्ट यानि मजबूत, सुरक्षा रक्षक कैसा होना चाहिए, मजबूत, इस तरह से पहरेदारी की तरह ड्यूटी करना चाहिए, 12 घंटा हो या 24 घंटा, जब तक रिलीवर नहीं आता है हमें पोस्ट पे इस तरह से क्या करना है, रोबस्ट मजबूत की तरह हमें क्या करना है, सुरक्षा करना है इस जगह की। समझ गए, मजबूत रोबस्ट। उसके बाद में आर के बाद आई फॉर इंटेलिजेंट, सुरक्षा रक्षा कैसा होना चाहिए, बुद्धिमान, समय से पहले और समय के बाद, जब तक रिलीवर नहीं आता तब तक हमें यहाँ पे डटे रहना है, इंटेलिजेंट बुद्धिमान, वक्त से पहले हम लोग जल्दी आएंगे, इस परिसर की निगरानी करेंगे, हैंडओवर लेंगे, नाइट वाला डे से हैंडओवर करेगा, डे को हैंडओवर करेगा, डे वाला नाइट को हैंडओवर करेगा, वो हैंडओवर टेकओवर हमें मालूमात होना चाहिए, इंटेलिजेंट जो बुद्धिमान है वह रात का हिसाब दिन में लेगा और दिन का हिसाब वो रात में लेगा, वो हैंडओवर टेकओवर हमें करना है, इंटेलिजेंट काम में ड्यूटी में आधा घंटा पहले आके इस तरह से सावधान विश्राम सलूट और हमारे काम के बारे में एक दूसरे को बता के हैंड ओवर टेक ओवर लेके ड्यूटी ज्वाइन करना है। समझ गए, ये जो बुद्धिमान है वही कर सकता है, इंटेलिजेंट का काम हमें करना है। और उसके बाद में
टी फॉर ट्रेन, जाने तब जाके हम लोग क्या बनेंगे, इस तरह से काम करेंगे। तो एक ट्रेंड सिक्योरिटी गार्ड, सुरक्षा रक्षक कैसे बनेगा, प्रशिक्षण लिया हुआ सुरक्षा रक्षक बनेगा। जैसे गवर्नमेंट के अनुसार, पसारा एक्ट के अनुसार हमें सुरक्षा रक्षक ज्वाइन करने के लिए 21 दिन में 8 घंटे की ट्रेनिंग लेना होता है, उसी तरह तब जाके हमें पोस्ट पे चढ़ना होता है। यानी ट्रेंड सिक्योरिटी गार्ड तब बनेगा जब वो ट्रेनिंग करके पास होगा, समझ गए। अगर हमने ट्रेनिंग नहीं ली तो यहाँ पे आप लोग खुद लेके, जो हमने आपको पढ़ाया है उसके बारे में जानकारी लेके आप लोग क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो, यानी ट्रेन सिक्योरिटी गार्ड बनोगे। बराबर, आपके सबके पास यूट्यूब है, बराबर मेरा चैनल है जितेंद्र पाठारे करके, वो आपको सब्सक्राइब करो, उसमें से जो जो नॉलेज है वो आप ले सकते हो। जब भी आपको वक्त मिलता है वो पढ़ो और देखो, और इसमें जो आधा घंटा जल्दी आओगे तो आपको एक काम करना है, बराबर, यानी आप ट्रेन सिक्योरिटी गार्ड बनोगे, प्रशिक्षण लिया हुआ सिक्योरिटी गार्ड बनोगे, बराबर। उसके बाद में वाई फॉर यूथफुल, क्या है यूथफुल, यानी जवान, जवान की तरह सुरक्षा रक्षक यहाँ पे तैनात रह के क्या करेगा, ड्यूटी करेगा, बराबर, ठीक है। सबको सब समझ में आया, एक फोटो काटिए आपका है क्या, ऊपर से हाथ ऊपर से जाएगा, ये हाथ ऊपर से ऊपर ये ऐसे रखो और ये इसके अंदर, हाँ ये इसको कंधे पे डाल, आप आ जाओ यहाँ पे पीछे से वो पैर 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 को तुम्हें पैर हिला रखा, हाँ पैर आड़वा डाका फिर करना आड़ो, हाँ लॉक करा, ये पैर को लॉक किया जाता है, ये थोड़ा उठाएंगे तो भी उनको, अभी वॉल ओपन करो, निशाना बराबर लगाओ, नहीं तो किसी के ऊपर लगाओगे तो उनके ऊपर